गायब किया किसने, किसने किया है नुमाया, गायब किया है किसने, किसने किया है नुमाया, कोई नकाब में दफ्त था कहीं सैलाब में आया, कोई नकाब में दफ्त था कहीं सैलाब में आया, और जहान में वक्त से ज्यादा कीमती क्या है भला, इस जहान में वक्त से ज्यादा कीमती क्या है भला, इश्क में और शख्स ने वो ठीक क्या है जाया, इश्क में और शख्स ने वो ठीक क्या है जाया, और चिंगारी थी तेरी कुछ ऐसी सोले भड़का दे, चिंगारी थी तेरी कुछ ऐसी कि सोले भड़का दे, गला कटेगा जानकर भी हमने गले में लगाया, गला कटेगा जानकर भी हमने गले में लगाया। और एक दो शेर और पेश करता हूँ, कि नजरों का अंदाज बता देता है कि कौन नजरअंदाज है उसका, नजरों का अंदाज बता देता है कौन नजरअंदाज करता है, एक बार लगी नजर के पार फिर कौन उसका इलाज करता है, एक बार लगी नजर के पार फिर कौन उसका इलाज करता है, और चिपक कर झूम लेते वो आगोश में लेकर सागर थाम लेते हैं, जगह तो पहुंची इंजीन वालों में अभी बैकबेंचर था अपने इंजीन कॉलेज, चिपक कर चूम लेते वो आगोश में लेकर सागर थाम लेते हैं, चिपक कर चूम लेते वो आगोश में लेकर सागर थाम लेते हैं, झपट कर दबोच शिकारी शिकार का हस्र जैसे बाज करता है, झपट कर दबोच कर शिकार का हस्र जैसे शिकारी बाज करता है, वो पत्थर है दिल उसका पत्थर पर मैंने तो उसे माना रहमत, वो पत्थर है दिल उसका पत्थर पर मैंने तो उसे माना रहबर, गलती है भुगतनी है मोहब्बत कहाँ टूट के कोई आज करता है, मोहब्बत कहाँ कोई टूट के आज करता है, एक हास्य का माहौल बनाता हूँ, माहौल साहब भारी कर गए चले गए देशभक्ति से बम विस्फोट हो गया इधर, एक हास्य का माहौल बने, और मैं शादीशुदा नहीं हूँ लेकिन एक इमेजिनेशन है, और रक्तदान शिविर से आ रहा हूँ, पता नहीं रक्त देने गया था या लेने गया था ये मुझे नहीं पता, और सुनिए कि बदलने के लिए खाने का जायका मैंने अपनी धर्मपत्नी को भेज दिया मायका, बदलने के लिए अपने खाने का जायका मैंने अपनी धर्मपत्नी को भेज दिया मायका, ससुर जी ने किया दुर्भाष पूछे बोले अबे बिना पत्ती के अमावास, ये क्या महीने दो महीने की बेवफाई है, चार चार बच्चों के बाप हो पर ये कहती है कि मेरा बलम हर जाए है, मैंने कहा प्रिय ससुर जी, मैंने कहा प्रिय ससुर जी सुनिए हमारी अर्जी, आप तो जानते हैं मेरा घर है छोटा, बड़ा मुश्किल से पाता हूँ राशन का कोटा, आपके लिए आपकी लाडली तो हीरा है पर मेरा राशन तो उसके मुंह में ऊंट के लिए जीरा है, और जिस दिन से आपने वो खाट दिया है, आपने जिस दिन से वो मनहूस खाट दिया है समझिए हमारे परिवार को बांट दिया है, और अपना सुरसा जैसा मुंह खोलती है फिर बोलती है आप नीचे चले जाओ, अपना सुरसा जैसा मुंह खोलती है फिर बोलती है आप नीचे चले जाओ, मुझे दिक्कत होती है सोने में, अब आप नीचे चले जाओ मुझे दिक्कत होती है सोने में, मेरे ऊपर गिरे नहीं इसलिए चुपचाप पड़ा रहता हूँ कोने में, और जो भी कपड़ा सिलवा के लाता हूँ तंग हो जाता है, और कपड़े की माप देखकर दर्जी भी तंग हो जाता है, पूछा भैया सूट सिलवाते हो या पूरा सामियाना सिलवाते हो, पूछा सूट सिलवाते हो या पूरा सामियाना सिलवाते हो, आप तो यही पास वाली गली से आते हो, और सब्जियां काट कर तोछा मार मार कर थक गया हूँ, कोई काम के नहीं हो सुन सुन कर पक गया हूँ, मेरी रुसवाई का आलम आप क्या जाने, मेरी कोई सुनवाई नहीं है, और मेरी पत्नी के जैसे छोड़कर दूसरी लुगाई किसी की नहीं है, और रही बात चार चार बच्चों की, और रही बात चार चार बच्चों की तो कसम अपने पुरानी गर्लफ्रेंड धन्य हो, और रही बात चार चार बच्चों की तो कसम मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड रज्जो की, मैंने तो ससुर जी आपका ही माना है कहना,
वंश विधान चलेगा कि प्रिय ससुर जी मैंने तो आपका ही माना है कहना, आप ही ने तो कहा था इसका पेट कभी खाली मत रहने देना और तन्हाई तन्हाई का मजा आप क्या जाने। देखिए कितने शान से लेता हूँ, सासू जी का गुस्सा मुझ पर मत झाड़िए, मैं भी आप ही का लगभग बेटा हूँ। और ससुर जी बोले कि गृहिणी घर को स्वर्ग बना देती है, गृहिणी घर को स्वर्ग बना देती है। मैंने कहा वैसे स्वर्ग का क्या करना है जो मुझे स्वर्गवासी बना देगी। अब और मत चाहिए, कृपया फोन काटिए। और श्रीमती जी पधार नहीं है, बेबस हो, कुछ कर नहीं सकता, पत्नियों के अन्याय को बिल्कुल भी सह नहीं सकता, मुझे कूटती है फिर वही सहलाती है और युगो युगांतर से वो धर्म पत्नी कहलाती है। मुझे भी दिव्य ज्ञान हो गया है, आपस में लड़ने से जग हसाई है। धर्मपति बनने में क्या बुराई है, आपस में लड़ने से जग हसाई है, धर्मपति बनने में क्या बुराई है।